उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती की बाराबांकी के विजय पार्क में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। प्रतिमा अनावरण के बाद सीएम योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के प्रणेता थे। उन्होंने हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का उद्घोष किया था। इसके आगे सीएम योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की बात करते हुए कहा था कि आर्थिक उन्नति व प्रगति का मानक ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से की जानी चाहिए। इसी क्रम में सीएम योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 7 दशक पहले जो सपने देखे थे उसे साकार करने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व की एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हर हाथ को काम और हर खेत को पानी का उद्घोष करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती की पूर्व संध्या पर आज बाराबंकी के विजय उद्यान में उनकी एक भव्य और दिव्य प्रतिमा का स्थापना का कार्य संपन्न हुआ है। इस कार्य के लिए प्रदेश के संस्कृति विभाग के मंत्री श्री जयवीर सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए श्री अंगद सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस आयोजन में भागीदार बनने का अवसर दिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों में नमन करने और उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने का एक अवसर मुझे बाराबंकी जनपद के अंदर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में भारत की दिशा क्या हो